बिग बॉस के वासियों, आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। बिग बॉस के फैंस, जी हाँ, एक अच्छी सी गुड न्यूज आपको मैं सुनाऊंगी यहाँ पर आज, जिसे आप सुनना चाहते हैं और रात में करेंगे हम और आप लाइव। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ये बहुत गलत बात है। चैनल को करें सब्सक्राइब। गुड न्यूज सुनने के लिए फ्री में आपको सब्सक्राइब करना है, कोई पैसे नहीं लगते। तो लाल बटन पर जाएं, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन को दबाएं और रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको अब देंगे डोज, जी हाँ, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का, या फिर ये कहा जाए कि आज सुरभि सक्सेना का जो डोज है वो हम आपको देंगे एंटरटेनमेंट का। तो गाइस, एक गुड न्यूज आ रही है बिग बॉस के घर से। फाइनली अर्चना घर के अंदर हो गई है एंटर। जी हाँ, बता दें कि जैसे ही अर्चना को एंट्री दी गई तब अर्चना घर के अंदर आई और सबसे पहले अर्चना ने गले लगाया किसको? जी हाँ, प्रियंका चहर चौधरी को। अंकित भी खुश हो गए। सलमान खान ने फाइनली घर के अंदर उस कंटेस्टेंट की एंट्री करवा दी गई है जिसकी एंट्री के लिए फैंस बाहर सोशल मीडिया पर धरने पे बैठ गए थे। बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। सभी फैंस अर्चना गौतम को वापस लाने की मांग कर रहे थे। तो अर्चना गौतम फाइनली वापस आ चुकी है, लेकिन जब वो घर के अंदर एंटर हुई तो सबसे पहले वो प्रियंका के गले लगी। दरअसल बात यह है दोस्तों कि प्रियंका चहर चौधरी एक ऐसी इंसान थी उस घर की, जो अर्चना को ये बता रही थी कि देख यार, तेरे साथ कोई भी कुछ भी बोलेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, गंदी बातें भी बोल सकता है, तेरे को हर्ट करने की कोशिश कर सकता है, बट तुझे कंट्रोल में रह के ही लड़ाई करनी है, हाथ नहीं उठाना। तूने ये जो हाथ उठाया ये बहुत गलत किया अर्चना, जाओ माफी मांग। ये अर्चना से कहा था प्रियंका चहर चौधरी ने और इसका साथ दिया था सुंदरिया ने। तो अब बता दें आपको कि फाइनली, लेकिन शिव ने उसे बहुत उकसाया, बहुत ज्यादा उसको वहां पर प्रोवोक किया, बहुत दिक्कतें शिव ने कर दी थी। शिव जबरदस्ती औरतों की तरह घुस रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी अब सलमान खान अर्चना को वापस लाए हैं, क्योंकि इस मुद्दे को खत्म यूं ही नहीं करा जा सकता, ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। खुले हुए जख्म कभी खुले हुए छोड़ने नहीं चाहिए, हमेशा उस पर मरहम पट्टी लगा देनी चाहिए। तो सलमान और मेकर्स ने अर्चना को वापस बुलाया है और आज सलमान खान बात करेंगे इसी टॉपिक पर अर्चना से और शिव से लेंगे क्लास। तो फाइनली बात यह है कि अर्चना जब घर पर आई तो सबसे पहले प्रियंका के गले लग कर रोई और रो पड़ी फूट फूट कर। और बाद में जब प्रियंका से उसने बातचीत की तो वहां पर उसने यही बात किया कि अब हम दोनों मिलकर उस व्यक्ति को इस घर से उखाड़ फेंकेंगे जो यहाँ पर सबको परेशान करने आया है और अपनी अलग ही राजनीति चला रहा है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, बता दे, जैसे ही अर्चना घर से निकली थी बीच में एक नाम उठाया था दीदी दीदी का। अब ये दीदी कोई और नहीं थी बल्कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी है। अब बीजेपी तो अलग है खैर यहां से, लेकिन यहाँ कांग्रेस की पार्टी को घुसेड़ दिया गया है। सो कांग्रेस के जितने भी फैंस हैं या कांग्रेस के जितने भी समर्थन करते हैं जो लोग, वो धरने पर बैठ गए कि आखिर बिग बॉस के घर में कैसे नाम लिया गया प्रियंका गांधी जी का। तो वहां से कॉल भी आया मेकर्स को और साफ कहा गया है कि आप लोग राजनीतिक को इस तरह के जो शोज होते हैं उनमें नहीं ले सकते, अपने कंटेस्टेंट को आप समझाएं। तो समझ लीजिए कि आप शिव का क्या हश्र आगे हो सकता है। खैर, ऐसा धमकी नहीं दी गई है, मगर शिव को सोच लेना चाहिए था कि किसके लिए वो क्या कहाँ बोल रहा है। नेशनल टीवी पर नेशनल लोगों के साथ पंगा लेना अच्छी बात नहीं है शिव। तो शिव को शायद अब समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, प्रियंका भी बहुत खुश हो गई है अर्चना के वापस आने से, क्योंकि अब आएगा खेल में दुगना मजा। तो टीआरपी भी नंबर 1 पर चल रही है इस समय बिग बॉस की। शिव नंबर 1 पर पहुंच गए थे, हैशटैग उनका ट्रेंड कर रहा था। और यहाँ पर सलमान खान तो ट्रेंड करते ही है, अर्चना भी ट्रेंड कर रही थी। लेकिन दोस्तों, अर्चना को वापस लाया कैसे गया अगर वो जानना चाहते हैं सो वीडियो देखिएगा हमारा दूसरा इसके बाद, और चैनल को कसम है आपको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।